हेलो एवरीबॉडी, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के डेफिनेटली दोस्त अच्छे होने वाले हैं जिनको बालों को एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। मैंने पिछले पास्ट में दो वीडियो शेयर की हैं मेरे बालों के ब्लीच के बारे में, जिस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपके बालों पर उस चीज़ ने काम नहीं किया है, पर मेरे बालों पर उन्होंने काम किया है। पर अगेन से मैं फिर से वही चीज़ दोहरा के आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर अपने बालों को ब्लीच कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप अपने बालों को ब्लीच करते हैं तो उसके बाद आप कोई भी लाइट शेड अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल डार्क ब्राउन है या फिर ब्लैक है तो सीधा ही अगर आप उसको लाइट करेंगे तो नहीं होगा, पहले आपको ब्लीच ही करना पड़ता है। सो पहले आप ब्लीच करें, देन आप कोई सा भी रंग यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने मेरे बालों को ऐसे किया है। ये बालों को मैं लंबा समय रखने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे काले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई थिंक आज ही मैं मेरे बालों को काला कर लूँगी, इसीलिए मैंने बाल करली है। यूजली मैं मेरे बालों को स्टाइल कर लेती हूँ, नेचुरली मेरे बाल करली है वैसे। अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो फालतू इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कंसीडर करें सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर हेल्प करेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट बार में बताना कि आप और कौन सी मुझसे वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर ही उस पर काम करूँगी। और अगर आपको मैं बहुत ज़्यादा जच गई तो प्लीज़ मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लें, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक आई एम डन, सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। बहुत ही ज़्यादा क्विक है पर जल्दी से आपके साथ शेयर कर देती हूँ, देख के वापस यहीं पर आ जाइए। ऑलराइट दोस्तों, सो ब्लीच करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइसक्रीम प्रोडक्ट्स जो कि मैंने शॉपर्स ड्रग मार्ट से लिए हैं। मैं यूज़ करूँगी ये ब्लीचिंग पाउडर और इसमें मैं वॉल्यूम 20 की लिक्विड ऐड करने वाली हूँ। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख रही हूँ। सो ग्लास के बॉल में पाउडर को निकाल के उसमें अराउंड 70 ml लिक्विड ऐड करके उसे अच्छी तरह क्रीमी सा पेस्ट बना लेंगे। कोशिश करें कि लंप्स नहीं हो। वंस हमारा ये पेस्ट रेडी है, तो हम हमारे बालों को ब्रश कर लेंगे अच्छी तरह। बालों को ब्रश करने के बाद मैं मेरे बालों को टाई कर लेती हूँ दो चोटियों में। सो दो चोटियों में टाई करने के बाद इवनली इस पर ब्लीच लगाएंगे। जब मेरे बाल पूरी तरह कोट हो चुके हैं तो मैं इनको छोड़ दूंगी अराउंड 15 मिनट्स के लिए। आप 35 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप बालों को लाइटली हाईलाइट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 5 मिनट्स में ही हो जाएंगे। 5 मिनट्स होते ही निकाल दें। मैंने एग्जैक्टली 16 मिनट्स मेरे बालों में ये ब्लीच को रखा और आप देखिए कितने ज़्यादा ब्लीच हो गए। इतने ज़्यादा ब्लीच मुझे चाहिए भी नहीं थे और मैं कुछ काम में बिज़ी हो गई और मैं भूल गई और 15 मिनट्स तक रहने दिया। वैसे मैं चाहती थी कि लाइटली हूँ। सो अगर आप लाइटली करना चाहते हैं तो कम से कम उसको समा अपने बालों में रखें और कोशिश करें कि जब आपको ब्लीच करना है आपके बाल धोने के लिए रेडी हों, क्योंकि जब बाल धोने के लिए रेडी होते हैं तो हमारे बालों में नेचुरल ऑयल होता है जो हमारी बालों ने खुद से प्रोड्यूस किया होता है। सो उससे डैमेज कम होता है। वैसे ब्लीच आपके बालों के लिए हेल्दी नहीं है, डैमेजिंग है, पर वंस इन अ वाइल इज़ ओके। पर अपने बालों का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, हेयर ऑयलिंग करें। सो खूब सारा अगर ख्याल रखेंगे तो वंस इन अ वाइल आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, पर इसको रूटीन बिल्कुल मत बनाएं क्योंकि ये बालों के लिए अच्छा नहीं है। Same rises the moon.
सो वंस इसको लगे अराउंड 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं वॉश कर लूँगी. वॉश करने के बाद मेरे बाल देखिए कि कितने ज़्यादा ब्लीच हो गए हैं. और जब आपके बाल इतने ज़्यादा ब्लीच हो जाते हैं तो आप पर्पल शैम्पू एक आता है, पर्पल कंडीशनर एक आता है, वो टोन डाउन कर देता है ब्लीच को, वो यूज़ कर सकते हैं. मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं लेटर इसको ब्लैक ही करने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद मैं मेरे बालों को स्टाइल करने वाली हूँ. मैंने बालों को ड्राई किया है एंड देन स्ट्रेटनर के साथ थोड़ा सा किया है वेवी, ज़्यादा नहीं. आप देखिए कि मेरे बालों में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है क्योंकि मैंने इन पर ज़्यादा समय स्पेंड नहीं किया है. तो इस तरह आप अपने बालों को घर पर ईजीली ब्लीच और हाईलाइट कर सकते हैं. ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो ऐसे ही आप अपने बालों को घर पे ब्लीच कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. मैं कोई परफेक्ट मेथड यूज़ नहीं करती हूँ कि इतने बाल ऐसे होने चाहिए इतने, मैं वैसे रफली कर लेती हूँ. आप परफेक्ट मेथड के साथ करें, रैप करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है. जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ. मुझे लगता है कि इट्स ओके, देखी देखी जाएगी. सो या, यही है प्रोसेस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल.